बहुत फॉर्चुनेट है आप और हम सब कि आज एक ऐसा सेशन आप और हम सबको मिलने वाला है एक ऐसे ग्रेट स्पीकर से जिनको पूरे इंडिया के अंदर और जहां जहां वो जाते रहे हैं आज उनकी कामयाबी उनका एक एक शब्द बहुत बड़ी विजडम रखता है, लोगों की सफलता में एक बड़ी योगदान वो देते रहे हैं। सो उनको वेलकम करने के लिए मैं नहीं बल्कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे कंपनी के डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऑडी A4 अचीवर और जिन्होंने बहुत तेजी से वेस्टीज में ग्रो किया है हमारे बीच में है आज जूम के सेशन को आगे संचालित करने के लिए इसको आगे ले जाने के लिए। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके जोरदार तालियों के साथ आपके प्रेम आपके इस सेशन में वेलकम करते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा सबसे पहले हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर विशाल शर्मा जी। विशाल जी आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट टुडेज ग्रैंड जूम सेशन क्योंकि आज हमारे स्पीकर ऐसे हैं जो मुंबई से हैं और मैं चाहूंगा कि आप उनके बारे में दो शब्द कहें ताकि आज हम उनको सुन सकें। एंड आई एम ऑल्सो रेडी और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी लोग हैं आज अपनी डायरी पेन लेके बैठिएगा बिकॉज उनका एक एक शब्द उनकी उनका कहना उनका समझाना उनकी स्टोरी उनकी ट्रेनिंग हर चीज आप और हमारे बिजनेस में एक नया पैराशूट ओपन होने वाला है एक नई विजडम और एक नए ज्ञान की बारिश होने वाली है। सो हेयर यू आर विशाल जी एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इंट्रोड्यूस अवर गेस्ट स्पीकर ओवर टू यू विशाल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सतपाल जी। थैंक यू वेरी मच और फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन आज के इस वंडरफुल जूम सेशन में। फ्रेंड्स जैसे कि आज आप लोग जानते हैं कि आज जिन पर्सनैलिटी को हमने इन्वाइट किया है वो एक रोल मॉडल है ना सिर्फ भारतवासियों के लिए आज पूरे विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वो एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है। वो इंस्पिरेशन है लाखों लाखों लोगों की लाखों महिलाओं के लिए लाखों स्टूडेंट्स के लिए सभी के लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है वो। फ्रेंड्स वो कहा जाता है कि जो गुरु लोग हैं जो सिखाते हैं उनको कौन सिखा रहा है तो वो गुरुओं के गुरु हैं। आपके जो अपलायंस है उनकी भी वो गुरु हैं कई लोगों को उन्होंने सिखाया है तो उनको आज हम लोग इन्वाइट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स वेस्टीज बिजनेस के अंदर उनका टाइटल है वेस्टीज एम्बेसडर। बॉम्बे से बिलोंग करती है मैम। वेस्टीज बिजनेस के अंदर लगभग 35 से 40 लाख रुपए का उनका पे आउट आ रहा है। कई सारी लग्जरी कार्स मैम के पास में है और वेस्टीज बिजनेस से कई सारे फॉरेन ड्रेस मैम ले चुकी हैं। तो मैम को इनवाइट करने से पहले एक छोटा सा मैम का एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं चाहूंगा हमारे कोऑर्डिनेटर एक छोटा सा वीडियो है मैम का वो एक बार प्ले करें एंड देन वी विल इनवाइट मैम छोटा सा वीडियो। गेट रेडी टू वेलकम वन एंड ओनली शी इज नॉट द हीरोइन शी इज द हीरो ऑफ हर लाइफ She is the hero of your life. She is one and only Deepa. तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों की जोरदार क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करने चाहेंगे वेस्टीज एम्बेसडर दीपल पतलावाला मैम। मैम गुड मॉर्निंग। थैंक यू विशाल। थैंक यू सतपाल जी। थैंक यू सो मच एंड आप सबका बहुत सारा धन्यवाद कि आज आप सब यहाँ पे आए जूम कॉल के लिए। एंड थोड़ा सा आई थिंक कंप्यूटर में कुछ तो टेक्निकल इश्यू हुआ है आई डोंट नो व्हाट बट यस आई थिंक ये टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर रही है एंड कोई ना कोई बहाने हम लोगों से कनेक्ट तो हो ही जाते हैं तो थैंक गॉड कि फोन है तो मैं फोन से आज आप सबसे बात कर रही हूँ। एंड दिल्ली बहुत बार सेमिनार के लिए बहुत बार आना चाहती थी पर हर बार सैटरडे संडे कुछ ना कुछ हो जाता था तो बहुत बार नहीं आ पाती थी बट ये टेक्नोलॉजी के बदौलत आप सबसे आज बात कर पा रही हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है विशाल। राइट मैम हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड है मैम। हम सभी लोगों ने आपकी कुछ वीडियोस पीछे देखी कैसे एक सिंपल ऑर्डिनरी हाउसवाइफ से एक लेजेंडरी बिजनेस वुमेन आप बने कैसे एक सिंपल सी महिला से उठकर के इतने लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक रोल मॉडल आप बने वो जर्नी कैसी रही मैम आपकी वो हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आपसे जानने के लिए कि कैसा रहा आपका सफर वेस्टीज से पहले की लाइफ और वेस्टीज में आने के बाद। वी आर ऑल ईगर टू लिसन टू यू मैम। विशाल वैसे आप सब आप और लोकेश और हम सब
बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा और आज भी मुझे देख रहे हैं और मैंने भी आप सबको पहले से देखा है. सो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री ने हम सबको दिया है. शायद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी चेंज हो सकती हूँ या मेरे में इतना बदलाव आ सकता है. चाहे मैं कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लेती तो भी मैं कभी भी इतना ग्रो नहीं कर पाती जितना इस इंडस्ट्री ने मुझे ग्रोथ दिया है. अगर मैं अपना बैकग्राउंड कहूँ तो मैं गुजरात की पाटन करके छोटी सी जगह है वहां से बिलोंग करती हूँ और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की गुजराती मीडियम में. फादर मेरे ज्वेलर है एंड मनी कभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहा. सब कुछ बहुत बढ़िया था वहां पे. देन शादी हो गई. शादी करके लोनावला चली गई. अगेन लोनावला एक छोटी सी जगह थी जहां से भी मैं कुछ तो करना चाहती थी पर SY BCOM गुजराती मीडियम तक की ही पढ़ाई की थी. ज्यादा मैं पढ़ी लिखी नहीं थी. पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी हो गई थी. तो गुजराती फैमिली में बचपन से ही सिखाया जाता है कि सबसे पहले आपको अपने घर को देखना है, अपने अपने पति को देखना है. सब कुछ घर में सही हो, इनलॉज को जो सही लगे वो सब कुछ करने के बाद अगर आपके हस्बैंड हाँ कहें तो आप कुछ कर सकते हैं. तो यही माइंडसेट के साथ मैं भी शादी करके अपने घर पे गई थी. तो मैंने कुछ तो करना था. इसलिए मैंने वहां पे डांस क्लासेस शुरू किए और 40 rupees एक स्टूडेंट का मैं लेती थी. बट मुझे मजा आता था कि मैं कुछ तो कर रही हूँ. और बस ऐसे ही जर्नी की शुरुआत हुई. और तब बेटे ने जन्म लिया. जब मेरे बेटे ने जन्म लिया फिर मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया. यानी कह सकते हैं ना कि जब तक आप पेरेंट्स नहीं बनते हो तब तक आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, जैसे चल रहा है, बहुत बढ़िया है. पर जब बच्चे जन्म लेते हैं तो आपके सपने, आपका थॉट प्रोसेस वो बदलने लगता है. क्योंकि आप फिर अपने बारे में नहीं, साथ साथ में अपने फैमिली के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं. और मैं भी सोचती थी कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा, उसके टॉप फ्लोर पे मेरे बेटे का ऑफिस होगा और जब वो नीचे उतरेगा तब वो डिसाइड करेगा कि आज कौन सी कार लेके मैं घर पे जाऊं. और जब मैं आंख खोलती थी तो मेरे ससुर जी का सालों पुराना स्कूटर दिखाई देता था. तो ये फैक्ट थी लाइफ की. सो वहां पे दो चॉइस थी, एक की मान लो यही हकीकत है और दूसरा की नहीं, ये हकीकत में से हमें बाहर निकलना है और कुछ बड़ा करना है. सो इसी तरह लाइफ की शुरुआत हुई. आई थिंक एवरीवन कैन हर्ड मी प्रॉपरली. सब कुछ प्रॉपर है? यस मैम, यस. ओके. सो ऐसे ही मेरी लाइफ की शुरुआत हुई और फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई. मुंबई शिफ्ट होने के बाद और बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में. क्योंकि सच कहती हूँ बहुत ज्यादा इन्फ्योरिटी और बहुत ज्यादा डर था मेरे अंदर. और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाउन होता है, इन्फ्योरिटी होती है, तो आपको हर चीज बुरी लगती है. और मुंबई जैसी सिटी में आना और यहाँ वो भी एक गुजराती मीडियम में, छोटे से गांव से आई हुई लड़की, और मुंबई में अपने आप को सेट करना या कहीं जाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी. ना मुझे इंग्लिश आती थी, ना मुझे तब हिंदी आती थी, ना मुझे मराठी आती थी. तो मैं कहीं पे भी जाऊं तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो जाती थी. अगर कोई मेरे साथ नहीं है तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था. मुझे आज भी एक इंसिडेंस याद है जो मैं मेरी बहुत मीटिंग में सुनाती हूँ कि एक बार मैं सुपर स्टॉप गई थी और शॉपिंग करने के लिए मैं और नीलेश जी सुपर स्टॉप गए थे. शॉपिंग कर ली और मैं ट्रॉली लेके हम खड़े थे. नीलेश जी ने कहा दीपल तुम बिल करवाओ, मैं आता हूँ. और जब मेरा नंबर आया तो जो लेडी थी काउंटर पे वो मुझे इंग्लिश में मेरे से बात करने लगी. एंड ऐसा नहीं था कि वो क्या बोली वो मुझे समझ में नहीं आया, पर मेरा डर मेरे ऊपर इतना ज्यादा हावी था कि मैं डर गई. मैं कांपने लगी कि इसको मैं क्या जवाब दूं. अगर मैं इसको हिंदी में जवाब दूंगी तो ये हंसेगी मेरे ऊपर. अगर मैंने गुजराती बोला तो इसको समझ में नहीं आएगा. और मैं ट्रॉली लेके साइड में जाके बैठ गई. बिलीव मी फ्रेंड्स, उस रात को मैं सो नहीं पाई. एक ही चीज दिमाग में आती रही रात भर कि क्या जिंदगी ऐसे ही कटेगी, क्या मुझे हर बार किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्या मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्या हर बार लोग मेरे पे हंसेंगे. क्योंकि शादी में जाती थी लोग मजाक बनाते थे, लोग कहते थे
चोटी बांध के नहीं आते हैं, बाल खुले छोड़ने चाहिए, लिपस्टिक ऐसी लगानी चाहिए, कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए. सो यू नो, एक आई थिंक जो स्मॉल टाउन से बिग सिटी में जाता है, ये मेरी ये तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ पाएगा. तो मुझे शादियों में जाते हुए भी अच्छा नहीं लगता था कि आज मालूम नहीं कौन सी नई कमेंट सुन के मैं घर पे आऊंगी. तो ये इस तरह की लाइफ चल रही थी, और इसीलिए मैं अपनी खुशी ढूंढती थी अच्छा टिफिन बनाने में, कि मैं खाना अच्छा बनाऊं, टिफिन अच्छा दूं. मेरे हस्बैंड जब टिफिन लेके जाते उनके ऑफिस में, सब लोग खाना खाते, तो मैं रात को बहुत ज्यादा ईगर होती थी ये पूछने के लिए कि कैसा लगा आज सबको खाना. तो यू नो, कहीं से मुझे कोई तारीफ मिले, कहीं से कोई मुझे रिकग्निशन दे, ये चीज, ये रूटीन मेरी थी. और आई थिंक मेरे जैसी करोड़ों इंडिया में वुमेन है जो आज भी इसी तरह जी रही है, जो छोटे छोटे रिकग्निशन और छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला और इनफ्योर फील करती है. अगेन मेरे पास इस टाइम पे दो चॉइस थी, एक कि घर में सब खाना पीना अच्छे से मिल रहा है, लाइफ अच्छी है, लाइफस्टाइल नहीं थी पर लाइफ अच्छी थी, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनती थी पर अच्छे कपड़े थे, सो सबको ठीक है, यू नो इट्स ओके, उसमें क्या हो गया, जिंदगी भर दमालू अच्छा बनाती हो ये सुन के निकाल सकते हैं. और दूसरी चॉइस थी कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है, मुझे मेरे टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे किटी पार्टीज में जाना अच्छा नहीं लगता था. मैंने शुरू की, एक डेढ़ साल गई मैं किटी पार्टीज में, पर वो जो वहां पे जो बातें होती थी और वहां पे जो एक दूसरे के लिए लोग बोलते थे, जो बैक बाइटिंग होती थी, सब एक दूसरे से जो कंपैरिजन करते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था. सो मैंने किटी पार्टीज में भी जाना बंद कर दिया एंड वापस ढूंढने लगी कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है. और तभी मेरे लाइफ में अगेन नेटवर्क मार्केटिंग आया एक फ्लायर के थ्रू. मुझे रास्ते में एक फ्लायर मिला था और उसके थ्रू मुझे समझ में आया कि कोई एक ऐसा बिजनेस है जो हम महिलाएं, हम लेडीज घर बैठ के पार्ट टाइम कर सकती है, और वहां से मेरी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी की शुरुआत हुई विशाल. तो मैं एक फ्लायर देख के आपको इंस्पिरेशन मिला, बट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो ज्यादा आइडिया रहा नहीं होगा उस टाइम पे आपको. मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे सिर्फ दो चीजें उसमें लिखी थी, बी योर ओन बॉस एंड डू रिस्क फ्री बिजनेस. सो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर पहले से है, आज भी है, कि मुझे कोई नई चीज जानने में, सीखने में हमेशा इंटरेस्ट रहता है. तो मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि कैसे पॉसिबल है, घर बैठ के कैसे कोई पैसा कमा सकता है पार्ट टाइम, और बी योर ओन बॉस. मेरे घर में कभी किसी ने नौकरी नहीं की, तो बॉस का त्रास क्या होता है वो तो मुझे नहीं मालूम था, पर डू रिस्क फ्री बिजनेस वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. कि मेरे पापा ने तो हमेशा कहा है कि जितना बड़ा रिस्क उठाओगे उतना बड़ा बिजनेस होगा, और ये फ्लायर में लिखा है रिस्क के बिना का बिजनेस. तो जब मैंने फोन लगाया, सामने भी एक लेडी थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं पार्ट टाइम बिजनेस करती हूँ और महीने के 25,000 रुपए कमाती हूँ. विशाल मैं बात कर रही हूँ 1997 की. 97, उस टाइम तो 25,000 बहुत बड़ा अमाउंट रहा होगा. यस. सो मुझे लगा कोई झूठ बोल रहा है, 25,000 कैसे कोई कमा सकता है यानी घर पे बैठ के. तो मुझे बुलाया गया प्रभा देवी मीटिंग के लिए, और मैं अंधेरी रहती थी, मुझे अंधेरी से प्रभा देवी जाना नहीं आता था. सो मैंने नीलेश जी को कहा प्लीज मुझे ले जाओ. तो मुझे कहने लगे देखो दीपल, लाखों लेडीज काम करती हैं, जाती है अकेली, जाती है आती है अकेली, तो मैं ऑफिस छोड़ के नहीं आ सकता हूँ, तुमको कुछ करना है तो खुद ही जाओ. और बड़ा गुस्सा आया मुझे कि देखो ये मेरे को कुछ करने देना नहीं चाहते हैं इसीलिए ऐसा कर रहे. बट वो जिद और जिद में मैंने 10 लोगों को पूछा, बस पकड़ी, अकेली पूछते पूछते मैं वहां पे पहुंची, और वहां एक लेडी ने मुझे कुछ बिजनेस समझाया. वहां पे और भी लोग थे जो कुछ गोले ड्रॉ कर रहे थे और कुछ कैलकुलेशन समझा रहे थे. अभी मेरे हस्बैंड फाइनेंस कंसल्टेंट, मेरे पापा ज्वेलर, मुझे कभी जिंदगी में हिसाब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है. और मुझे ना हिसाब कोई मांगता था तो देना अच्छा लगता था, और ना मैं किसी का हिसाब लेती थी. तो मुझे समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया. मैंने वहां पे तस्वीर देखी जो आज भी मेरे, जब मैं वो बात याद करती हूँ मेरे आंखों के सामने क्लियर होता है. वो जो लेडी थी उसकी तस्वीर एक न्यूज़पेपर में छपी थी, और वो न्यूज़पेपर कह रहा था
किसने जितनी भी डायमंड ज्वेलरी पहनी है वो उसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से कमाई है। अभी जौहरी की बेटी हूं तो समझ में तो आया कि ये लाखों रुपए की ज्वेलरी है। दूसरी चीज जो मैंने देखी, उसके दो पैर नहीं थे, वो व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। सो मुझे एक चीज समझ में आई कि इसके दो पैर नहीं है और अगर ये कर सकती है तो मुझे हिंदी नहीं आती मैं सीख सकती हूँ, इंग्लिश नहीं आती मैं सीख सकती हूँ, बोलना नहीं आता मैं सीख सकती हूँ, क्यों ना मैं ट्राई करूं। और वहां से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की और पहला ड्रीम बनाया कि मुझे 1500 रुपए महीने कमाने, और वो ड्रीम के साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई। पिछली कंपनी में मैंने करीबन 12 साल काम किया और वेस्टीज में जुड़े हुए 9.5 साल 10 साल के आसपास हो गया है अभी। एंड पूरे इंडिया में नेटवर्क है, वर्ल्ड में नेटवर्क है। वेस्टीज में आने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी सोच ही बदल गई। यानी बहुत सारे अप्स डाउन देखे, कुछ ऐसा टाइम भी देखा कि जब ऐसा लगा कि शायद घर बेच देना पड़े, कुछ ऐसे मौके भी आए कि जब पूरी तरह कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। खास करके मैं कहना चाहूंगी जब पिछली कंपनी में हमने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद 1.5 साल हमने कुछ भी नहीं किया, एंड 1.5 साल में ऐसा वक्त आया कि जितने भी पैसे, बिकॉज नीलेश जी फाइनेंस कंसल्टेंट थे और है, तो उन्होंने हमेशा पैसे बहुत अच्छे से बचाए और उसको ग्रो किए। बट कभी कभी जिंदगी में वो कहते हैं ना कि वक्त ऐसा आता है जब ऊपर वाला जो सोचता है वो होता है, और उस टाइम हमारा ऐसा वक्त था कि हमें बहुत नुकसान हुआ और बिजनेसेस में, और ऐसा वक्त आ गया कि शायद घर भी बेचना पड़े, और उसी टाइम हमारी लाइफ में वेस्टीज आया और वेस्टीज ने पूरी जिंदगी बदल दी। फिर तो आप लोगों के सामने है सब कुछ। बड़ा टफ रहा होगा ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक तजुर्बा जो रहा, वो आपका जो पुराना एक्सपीरियंस रहा वो शायद उतना उतना फ्रूटफुल नहीं था। अब दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखना, वो भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस के साथ में, तो मैं वो बिलीव कैसे आया और फिर आगे क्या क्या रहा जर्नी? विशाल बिलीव जरा भी नहीं था, जीरो था, कॉन्फिडेंस जीरो था। मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरी तरह डरे हुए थे हम लोग। हमें लग रहा था कि क्योंकि रोज का खर्चा कैसे निकलेगा ना, वो भी वो क्वेश्चन हो गया था उस टाइम पे। मुझे याद है कितने टाइम तक मेरी मॉम मेरे लिए मेरे घर के जो डे टू डे का सामान होता था वो कहती थी मेरा ला रही थी तो तेरा भी ले आई, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स है ना अपने बच्चों का नीचे दिखे या उनको बुरा लगे ऐसा नहीं करते हैं। तो वो ऐसा करके, तो ऐसा टाइम आया था कि मालूम समझ में ही नहीं आ रहा था आगे क्या होगा। सो जब हम वेस्टीज में जुड़े तो 2 महीने तक तो हमने कुछ नहीं किया। मुझे याद है एक दो बार चंचल का भी फोन आया था, दीपल जी आप बहुत कुछ कर सकती है, बट कॉन्फिडेंस लेवल पूरा जीरो था। तो मैंने हाँ हाँ कह दी पर मैंने उसकी बात सुनी नहीं। पाली सर का फोन आया कई बार, पर तब पाली सर हम सोचते थे कि उनकी कंपनी है तो वो तो बोलेंगे। वो होता है ना कि जब हम सामने तरफ होते हैं तो हमें यही लगता है कि सामने वाले की कौन सी माइनस पॉइंट है उसके ऊपर हम ध्यान दें। तो वो दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, ब्लैंक हो गया था दिमाग पूरी तरह से। बट सीक्रेट बुक ने हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। एज अ नेटवर्कर इस बिजनेस ने जो सबसे बड़ी एसेट हमें दी है वो ये है कि हम अपने आप को ग्रो करते रहते हैं। सो सीक्रेट बुक तब नई नई लॉन्च हुई थी, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं और नीलेश जी बुक स्टोर में गए और एक बुक ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तब ना सीक्रेट का कोई नाम था, ना उसे कोई जानते थे, एंड लिटरली इंस्टिंक्ट था कि उसने मुझे कहा कि बाय मी। यानी ये शायद बहुत लोगों को लगेगा मैम क्या बात कर रही है, बट यस ये मेरे साथ जो हुआ मैं आपके साथ दिल की बात कर रही हूँ। मैं उस बुक को जाके मैंने हाथ में उठाया, 550 रुपया प्राइस थी। सो उस टाइम लगा 550 की बुक, तो नीलेश ने कहा आपको ठीक लग रही है ले लो कोई बात नहीं। मैंने ली उस बुक को, हम दोनों ने उसे पढ़ना शुरू किया। जब आप नेगेटिव होते हैं तो दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है, तो शुरू में तो कुछ नहीं गया, जब उसे बार बार पढ़ते गए तो धीरे धीरे वो बुक दिमाग में आती गई। और मैंने और नीलेश ने एक दिन बैठ के डिसाइड किया कि जब हम मुंबई आए थे हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने जीरो से सब कुछ बनाया, आज कम से कम रहने के लिए घर तो है, क्यों ना हम नए से फिर से शुरुआत करें। और वहां से हमने
कहते हैं ना कि सब ब्रिजेस पीछे वाले बर्न कर दिए एंड एक ही डिसीजन था महीने का 1,00,000 रुपया कमाना, क्योंकि उससे हमारे खर्चे, कुणाल की फीस, ये सब निकल जाता। सो यही सोच के, और मैं बताऊं, जब आप कोई चीज का डिसीजन ले लेते हैं तो पूरी कायनात आपको हेल्प करने लगती है। हर जगह कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी आने लगती है, कैसे आपको लोग मिलते जाते हैं। पर जब तक आप डबल माइंडेड हैं, जब तक आपका डिसीजन क्लियर नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितनी भी मेहनत कर लो, आप बैक में ही जाओगे। पर जिस दिन डिसीजन ले लिया कि चाहे मुझे, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, मुझे यहां तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। और हमने जब 1,00,000 का डिसीजन ले लिया तो फिर गाड़ी चलने लगी हमारी, एंड फिर तो हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैम काफी चैलेंजेस रहे होंगे कि अभी आज आपको 35-40 लाख रुपए की इनकम है, अच्छी इनकम है, बट उस समय जब फाइनेंशियली भी बड़ा टफ टाइम रहा आपका, और आप उस समय पे जो स्ट्रगल टाइम था, उस समय क्या माइंडसेट था और उस समय कैसे कोप अप किया आपने, क्या क्या चैलेंजेस रहे उस समय? सबसे पहले, पहला तो चैलेंज था वहां पे डे टू डे एक्सपेंसेस का, ट्रैवलिंग का। देन तब मैं अपना बुटीक चलाती थी, क्योंकि रोज का कुछ ना कुछ अर्निंग करना होता था। तो बुटीक में सुबह 9 बजे जाती थी, रात को 9 बजे वापस आती थी, और फिर वहीं बैठ के वेस्टीज करती थी। सो और नीलेश जी ट्रैवल करते थे, तो ये सब चैलेंजेस थे। पर सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना, वो ये था कि बहुत लोगों ने हमको ये कहा था कि एक कंपनी में तो सक्सेसफुल हो गए, अभी देखते हैं आप आगे कुछ कर पाओगे कि नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने लिया था या लोगों की तरफ से था, सबकी नजरें ये थी कि लेट्स सी आगे क्या होता है। और सच बोलूं विशाल, मुझे याद है कि मैंने और नीलेश ने सिर्फ फिर एक्शन देखा, हम कहीं कोई चीज में नहीं गए, हम टोटली एक्शन और फील्ड में। फर्स्ट मंथ में नीलेश जी आई थिंक 23 डेज घर के बाहर थे पहले महीने में। सो पूरी तरह फील्ड वर्क, एंड जब आप वर्क में होते हैं ना, जब एक्शन मोड पे होते हैं ना कोई नेगेटिविटी आती है, ना कोई ख्याल आता है, और ना कोई चैलेंज दिखाई देती है आप, क्योंकि आप काम कर रहे हो। तो हम पूरे एक्शन मोड में थे। बाकी तो फिर तो वेस्टीज तो मालूम है ना, जो 13 साल का मर्सिडीज का सपना था, वेस्टीज में आने के बाद 13 महीने में पूरा हो गया। ग्रेट ग्रेट, 13 महीने में मर्सिडीज बेंज आपने ली मैम, और वो जाहिर सी बात है बड़ी खुशी की फीलिंग उससे में रही होगी। यस। और उससे पहले का जो वो 13 महीने का समय, क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा है मैम कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना जब शुरुआत होती है तो बड़े जोश और जज्बे से शुरू करते हैं, और वो जो शुरुआती जो चैलेंज होता है उस शुरुआती चैलेंज में ही कोप अप नहीं कर पाते, उसी में ही हिम्मत हार जाते हैं। तो मैम ऐसे समय में क्या अपनी माइंडसेट को रखें? वाई क्लियर नहीं है उनका, या उनका उनका मेरा 1,00,000 क्लियर था, मुझे अपना घर चलाना था, समझ रहे हो। वो जब तक भूख नहीं होगी, जब तक आपके अंदर आग नहीं होगी ना, आप आपका कितना भी बड़ा विजन क्यों ना हो, आप कितना भी बड़ी चीज क्यों ना सोच लो, पर जब तक वो आग नहीं लगेगी ना, वो कहानी हर मीटिंग में हम सब सुनते हैं और आप सबने सुनी होगी कि दो चिड़िया उड़ रही थी, बहुत आराम से गुनगुनाते हुए उड़ रही थी, और पास में से और एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा रॉकेट, यानी बड़ा पक्षी आया और सुख से उड़ के चला गया। तो जो छोटी बेटी चिड़िया थी, बड़ी चिड़िया को, मम्मी चिड़िया को पूछ रही है, मम्मी मम्मी ये क्या था? तो मम्मी ने जवाब दिया, इसके पीछे आग लगी थी। विशाल, आग लगना बहुत जरूरी है। आप कोई भी चीज, जरूरी नहीं है कि पैसा ही, मे भी हो सकता है कि आपका बच्चों का एडुकेशन, मे भी हो सकती है अपने स्पाउस के साथ फॉरेन घूमने जाना। क्योंकि मैं सक्सेस को सिर्फ पैसे के तौर पे नहीं तोलती हूँ, मेरे लिए सक्सेस है ओवरऑल सक्सेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हेल्थ ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, उसके साथ साथ पैसे, हर चीज जब होती है। तो आपका कौन सा चीज ऐसा है जो कमी है अभी जिंदगी में, कि चलो ये चीज कमी है, इसको पूरा करना है। और वो जब डिसीजन ले लेते हैं बंदा, और आग जब अंदर आ जाती है ना, फिर तो उसे कोई मुश्किल दिखाई नहीं देती है। लोग इसीलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उनका इरादा मजबूत नहीं होता। बहुत सिंपल है, और ध्यान से देखना ये बात। अगर आप ऑब्जर्व करोगे उन लोगों के अंदर, कि वो लोगों के पास बहाने ज्यादा होते हैं और करने के रीजन कम होते हैं, और इसीलिए वो छोड़ जाते हैं।
राइट मैम। और मैम लेकिन फैमिली के जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे ज्यादातर हाउसवाइफ है आज हमारे साथ कनेक्टेड है, हजारों लोग आज कनेक्टेड है, रूम पे भी है और यूट्यूब लाइव भी काफी लोग देख रहे हैं आज आपको, काफी सारी हाउसवाइफ भी सुन रही हैं आपको आज सेशन को। मैम घर में जो चैलेंजेस होते हैं, घर में हस्बैंड को देखना है, फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है और फिर बिजनेस बिल्ड करना है, तो ऐसे हाँ। आपने भी किया, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने और उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि ये कर क्यों रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। मैं बहुत क्लियर थी कि मैं अपने बेटे के लिए कर रही थी, मैं बहुत क्लियर थी कि मैं अपनी फैमिली को समाज में एक स्टेटस देना चाहती थी, मैं बहुत ज्यादा क्लियर थी इस चीज के लिए। तो अगर जो जो लेडीज क्लियर होंगी कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहती हूँ, तो हम औरतों में ऐसी ताकत है कि जब हम क्लियर हो जाए तो कहीं से भी रास्ता निकाल लेती हैं, कुछ भी करके हम रास्ता निकाल लेती हैं। अगर मैं बताऊं, टाइम मैनेजमेंट हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि हम बातें बहुत करती हैं, मैं भी आ गई उसमें, सब आ जाते हैं, हमें बातें करनी बहुत अच्छी लगती है, तो हमारे बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट भी है एंड माइनस पॉइंट भी है। माइनस क्यों है कि किसी एक डाउनलाइन का फोन आ गया तो उसके साथ आप 3 मिनट में बात खत्म कर सकते थे, बट वो आप 30 मिनट चलाते हो। सो काम तो आपका वही हुआ पर टाइम बहुत ज्यादा गया। अभी आपके पास शुरू में घर का सब काम करने के बाद और सब कुछ मैनेज के करने के बाद अगर 2 ही घंटे हैं, तो 2 घंटे में अगर आप सिर्फ 3 ही फोन करोगे 30-30 मिनट के, तो क्या होगा? सो यू नो, ये छोटी छोटी चीजें मैनेज करना और अपना वाई क्लियर करना। और एक चीज जो हम लेडीज की प्रॉब्लम है, हम बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो कोई ना बोलता है तो हमें दुख हो जाता है। मुझे याद है मैं कितनी बार रोई हूँ कि इसने मुझे मना कर दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मेरे सामने ठीक से देखा भी नहीं, इसने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। सो सब चीजों को हम लेडीज पर्सनल ले लेती है, यू नो, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा नेक्स्ट जो मीटिंग होता है वो इफेक्ट करता है। तो मैं लेडीज को ये कहना चाहती हूँ कि आपको कोई मना नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल है और आप सिर्फ अपना काम कर रही हैं, अपना काम करते जाओ। प्लान दिखाना वो हमारा काम है, प्लान दिखाओ, किसी ने हाँ बोला या ना बोला वो उनका काम है, हमारा कर्म हमें करना है, वो उनका कर्म करेंगे। आई नो ऐसा बनना हम लेडीज के लिए लिटिल बिट डिफिकल्ट है, पर अगर हमने इस पे सिद्धि पा ली तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम सुपर डुपर हिट बन सकते हैं। लाइफ में बैलेंस बनाना अगर सीख जाए, बैलेंस बनाते हुए काम करें तो ज्यादा भी मिलती है। पर विशाल ये बहुत, आप जो बोल रहे हो ना, हम लेडीज के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा इमोशनल है। हम खाना बनाती हैं तो भी इमोशनल है, उसमें भी किसी ने हमें अच्छा नहीं बोला तो बुरा लगता है क्योंकि हमने बहुत सारी ना सुनी है। नमक ज्यादा पड़ गया तो हमें बहुत डांट पड़ती है, पर खाना अच्छा बना तो कोई अच्छा नहीं बोलता है। तो ये सालों से चलता आ रहा है ना, हमारे पेरेंट्स में हमने देखा, हम हमारे खुद में देखा, तो थोड़ा सा तो होता है पर हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। राइट मैम, मेरा मानना है कि अगर आप लोग घर मैनेज कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैनेजमेंट की हैबिट है, तो बिजनेस भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस को भी सलीके से मैनेज कर सकते हैं। वुमेन पावर ऐसी रहती है कि सब कुछ मैनेज कर सकती है। अरे विशाल, कल अगर 1 लाख का चेक होगा तो 10,000 की 2 बाई घर में रख सकते हैं यार। तुम अपनी एनर्जी को, तुम्हारे में अगर काबिलियत है 2 लाख 5 लाख कमाने की, तो क्यों हम 2-5 हजार रुपए बचाने के पीछे लगे रहते हैं? बिल्कुल ठीक मैम, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, और बताओ। बस मैम, नीलेश सर और आप दोनों ही बिजनेस के अंदर है इन्वॉल्व और दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को मैनेज करते हैं। मैम फैमिली को बिजनेस करने, अगर फैमिली बिजनेस करती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अगर दोनों फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होकर बिजनेस करते हैं तो? अरे बहुत जरूरत है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे आज की मीटिंग है, तो आज की मीटिंग में बहुत लेडीज आई होंगी, बहुत सारे मेल आए होंगे। मे बी मीटिंग में कोई चीज उनको अच्छी लगे, मे बी दे आर वेरी हैप्पी एक्साइटेड। ओके, तो जब वो एक्साइटमेंट में, तो वो तो जाके शेयर करने के लिए हमें लगता है कि किसको जाके हम बताएं, यू नो, आज ये हुआ है, आज ये हुआ। अभी सोचो आपका जो स्पाउस है, वो उसका वो वेवलेंथ नहीं है, वो कह रहा है ये क्या बोले जा रहा है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपका टेम्पो वहीं डाउन चला जाता है, आधी मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाती है, और फिर हम ब्लेम करते हैं
कि यू नो दीपल मैम तो लकी है, उनके हस्बैंड कर रहे हैं ना इसलिए वो अच्छा कर पा रही है. इसके ये लकी जैसा कुछ नहीं होता है. शुरुआत में हमेशा चाहे वो स्पाउस करे यानी हस्बैंड करे या वाइफ करे, दूसरे बंदे को इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. और वो टाइम यानी जब साथ में करते हो ना तब तो आप अपने सपने डिस्कस कर सकते हो. तब तो एक दूसरे को, अभी सोचो ना स्विट्जरलैंड गए हो आप, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में बैठे हो, पर आप दोनों एक दूसरे के साथ यू नो आपके पास बातें ही नहीं है करने के लिए. आपके ड्रीम कोई मिलते जुलते नहीं है. जो आपकी वाइफ है उसके सपने हैं कि मैं घर जाके तुरंत खाना क्या बनाऊंगी, अंडरस्टूड. और हस्बैंड का सपना है कि तेरे साथ अगली कौन सी ट्रिप में मैं जाऊंगा, तो कैसे रहेगा. पर अगर दोनों जन एक प्लेटफॉर्म में है तभी तो लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे. कि यहाँ से पैसा कमाने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए तो कोई होना चाहिए साथ में. बिल्कुल ठीक. सो बहुत जरूरी है. और एक चीज है ना, और एक माइनस पॉइंट मैं बताना चाहूंगी. बहुत बार ऐसा होता है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोग कई सालों तक सक्सेसफुल नहीं हो पाते. दो दो पांच पांच दस दस साल तक वो धीरे धीरे करते रहते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं. उसकी वजह से भी स्पाउस बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है. उसे लगता है कि तुम 5 साल से तो कर रही हो, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और तुम मुझे आने के लिए कह रही हो. तो मैं सबको कहना चाहूंगी आने के बाद 1 साल इतनी मेहनत कर लो, एक मुकाम पे पहुंचो, फिर देखो आपका हस्बैंड या वाइफ आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं. राइट मैम. मैम ये जो विश्वास है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, मान लीजिए मेरे को मेरे साथ स्पाउस को उतना विश्वास नहीं हो, तो वो विश्वास कैसे दिलाया जाए, या अगर आप अपने एग्जांपल में लेंगे आप इंडस्ट्री पे कैसे विश्वास जमाया जाए. उनको फोर्स मत करो कोई चीज के लिए, कोई भी चीज. हम है ना बहुत जबरदस्ती करते हैं कि तुमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है. अरे नहीं आ रहा है, उनकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, पर कम से कम उनके साथ सपने तो डिस्कस कर सकते हो. और वो सपने पूरे कहां से होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग से होंगे, तो वो अल्टीमेटली धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगेंगे. पर अगर आप पहले दिन से मीटिंग में जाओ, यू नो तुम होम मीटिंग करो या तुम भी करो, तो वो फिर दूर होते जाएंगे इस बिजनेस से. सो मैं कहना चाहूंगी अगर आपका स्पाउस इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कोई बात नहीं, उसके साथ अपने सपनों को डिस्कस करो. कोई कोई बड़ी मीटिंग अवार्ड्स नाइट होती है या कोई अच्छी वीडियोस होती है तो उसे दिखाओ. उसके साथ जो मोटी मोटी बात होती है वो सिर्फ करते रहो, जिससे उनका इंटरेस्ट आज नहीं तो कल इस बिजनेस के लिए बन सकता है. राइट मैम. मैम एक और सवाल, अभी ऑडियंस ने सवाल पूछने स्टार्ट कर दिए हैं, चैट बॉक्स में आ रहे हैं. तो मैं एक सवाल लेना चाहूंगा मैम कि इस बिजनेस के अंदर इंडिपेंडेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट होना. बहुत से लोग डिपेंडेंट होते हैं अपने अप्लायंस के ऊपर अपनी बिजनेस मीटिंग करने के लिए कि आप चलेंगे तो मेरा बिजनेस चलेगा. एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं कितना इंडिपेंडेंट हूँ, वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे आप अपने बच्चे को चलना सिखाते हो. अगर आप जस्ट इमेजिन कि आपका बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो पहली बार जब अपना पैर उठाता है और गिर जाता है तो पेरेंट्स को लगता है कि यू नो गिर गया और उसने उठा लिया. अभी सोचो कोई पेरेंट ऐसा है या बच्चा ऐसा है कि मैं गिर गया हूँ अभी मुझे जिंदगी भर उठा के चलो, क्या कोई उससे उठा सकता है. इट इज नॉट पॉसिबल. अपलाइन के भरोसे रहोगे तो 20-25 हजार 50 हजार तक पहुंचोगे. 5 लाख तक पहुंचना है तो अपलाइन के चेक को दिखाओ और 5 लाख के ऊपर पहुंचो. आपका अपलाइन यानी मैं नहीं मानती हूँ कि आपका अपलाइन किसके लिए होता है. आपका लोगों को क्या लगता है कि अपलाइन होता है कंधा रख यानी उसके कंधे पे जाके रोने के लिए, यू नो अपलाइन होता है मीटिंग्स करने के लिए. पर मुझे लगता है कि अपलाइन होता है हमें विजन देने के लिए, अपलाइन होता है एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि जो देख के लगे कि चलो उसने अचीव कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ. सो आपके अपलाइन ग्रो करे उसमें भी आप बहुत खुश होने चाहिए, पर अगर आप ही हाथ नहीं छोड़ोगे तो वो कैसे ग्रो करेंगे. राइट मैम. इंडिपेंडेंट होंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे. तो दोनों जन अपलाइन डाउनलाइन दोनों तभी आगे बढ़ पाएंगे. राइट. जैसे हमेशा मेरा मानना है कि बेताल बन के नहीं बैठना. क्या इम्पोर्टेंस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में.
ट्रेनिंग एंड इवेंट की ये इम्पोर्टेंट है कि इस मॉल में भी हमने 60% बिजनेस किया, समझ रहे हो? पूरा महीना जूम कॉल किए हैं, हमने ट्रेनिंग्स अटेंड किए। जस्ट इमेजिन कि ये सब नहीं होता ये एक महीना, तो क्या हमारा 60% बिजनेस होता? जो भी जितना किसी का 50, 60, 70 जितना भी हुआ है, एग्जाम्पल की इवेंट तो हमारी ब्रीथ, यानी अब ब्रीथ है इस बिजनेस की, क्योंकि इवेंट में जब हम जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, हम रिचार्ज होते हैं, क्योंकि हम जो समाज में रहते हैं, हम जो घर में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के फैन हो, सभी लोग वेस्टीज के फैन हो, सभी लोग आपको गाइड कर सके। जो कहते हैं ना कि 15 साल की पढ़ाई के बाद भी आजकल जो नौकरियां मिलती हैं, वो नौकरी होती है 10,000 की, 15,000 की, और यू नो, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हो तो आपको सीखना तो पड़ेगा ना, वो भी आपको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाना है, तो यू हैव टू लर्न, एंड सीखने के साथ साथ आपको उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी शुरू में इवेंट्स, और इवेंट्स में से वापस आने के बाद इवेंट में जो सिखाया गया उसको एक्शन में डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो देयर इज नो मीनिंग। आप कितने भी बड़े इवेंट्स में चले जाओ, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। राइट, मैं सही कह रहे हैं, जैसे दोनों चाहते हैं तो खाली सिखा सकते हैं धनुष बाण चलाना, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, खुद युद्ध में जाके लड़ना पड़ेगा अपना। एब्सोल्युटली, हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बना सकती है, वो चबा के नहीं दे सकती है, बॉर्न बेबी को भी यहाँ से तो खुद को ही निकलना पड़ता है अंदर, सो बहुत जरूरी है ये बात। राइट मैम, कुछ लोगों का सवाल है कि जो बिजनेस है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इसमें सिर्फ फुल टाइम होंगे तो ही कामयाब हो सकते हैं, पार्ट टाइम में थोड़ा सा चैलेंज रहता है, तो आपका क्या मानना है मैम इसके ऊपर, और आप क्या व्यू रखती हैं? मैं मानती हूँ कि आप जहाँ पे अर्न कर रहे हो, अभी जॉब कर रहे हो और आपकी अर्निंग है समझो कि यू नो 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया, और आपका घर चल रहा है 50,000 रुपए से, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग से 50,000 कमाने लगे तब आपको अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम आ जाना चाहिए, ठीक है? और कोई अगर कहता है कि पार्ट टाइम कैसे कर सकते हैं, पार्ट टाइम सब लोग कर सकते हैं, शाम को 2 घंटा, सैटरडे संडे में भी आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, पर आप 2 से 3 घंटे में 3 से 4 प्लान दिखा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये रीजन अगर हम दे दे कि मैं फुल टाइम नहीं हूँ इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका, मेरी टीम में एक चौधरी जी है जो सिक्किम से है, यूसीडी है, एंड बहुत बड़े लीडर है, उनका चेक 5 उन्होंने अभी VRS लिया है 2 महीने पहले, यानी आखिरी 9 साल से वो पार्ट टाइम डेवलप करके पैसा कमा रहे हैं, और उनकी टीम में ऐसे बहुत लोग हैं जो 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की अर्निंग ले रहे हैं, पर उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, दैट्स ऑल। मैं नहीं कहती हूँ कि उनकी तरह करें, उनके कुछ और चैलेंजेस थे, पर मैं इतना कहूंगी कि जब आपका घर के खर्चे का अर्निंग वेस्टीज से निकल जाए फिर आप अपनी जॉब को रिजाइन कर सकते हैं, बट फिर रिजाइन कर ले और रोज सर पकड़ के बैठे कि अपलाइन अपलाइन अपलाइन, अभी मेरा घर कैसे चलेगा, तो मैं फील्ड में कभी ध्यान नहीं दे पाओगे, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राइट मैम, पहले बैलेंस बना करके अपना इनकम को बढ़ाएं, उसके बाद हम लोग फुल टाइम इसमें उतरे। मैम एक सवाल है मेरे पास, लगातार कुछ लोग भेज रहे थे मेरे पास, मैसेज पे भी आ रहे हैं सवाल। मैम आपकी बहुत ज्यादा इनकम है और लोग जानना चाह रहे हैं मैम आपका लाइफस्टाइल, आपको खर्च कैसे करते हैं? मतलब 35-40 लाख रुपए इनकम करती हूं। मैं खर्च करती हूं तो वही खर्च कर रही हूं जो इतने सालों से मैं कर रही हूं। बाकी नीलेश जी जो हैं, बहुत, एक सेकंड मेरा चार्जर लेना पड़ेगा, नीलेश जी जो हैं वो सब बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ सालाना मैं 3 से 4 बार फॉरेन ट्रिप पे जाती हूँ, एंड मुझे कपड़ों का बहुत शौक है तो मैं वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड के कपड़े खरीदती हूँ, बहुत सारी चैरिटी करती हूँ, देन उसके साथ मैं क्या करती हूँ, घर बहुत सारे खरीदती हूँ, मुझे यू नो वीकेंड होम का बहुत शौक है, तो एक
लोनावला में और एक गोवा में लिया है, गोवा में अभी बन रहा है. तो ये सब है. पर मैं बताऊं आपको, पैसा आने के बाद खर्चा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है. आप इटली चले जाओ और अपने पास 50 लाख रुपए लेके जाना, 1 करोड़ लेके जाना, तो भी कम पड़ेगा. सो मुझे याद है, हम जब इटली गए थे, मैं नीलेश जी और कुणाल माय सन, हमने एक दिन के अंदर करीबन 22 लाख रुपीज की शॉपिंग की थी. 22 लाख की शॉपिंग. सभी लोग सुन के बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं. ये तो ड्रीम है सही सभी महिलाओं का कि अपने ज्वेलरी लें, अपने शॉपिंग करें, अपने घर बनाएं. मैंने अभी अभी थोड़े टाइम पहले नीलेश जी को एक वॉच गिफ्ट की, रोलेक्स की, 9.5 लाख रुपए की. सो बहुत सारी चीजें कर सकते हो भाई पैसे के बाद तो. और मैं बताऊं आपका चेक कितना बढ़ता है, आपका चेक कब बढ़ता है, जब आपकी टीम में भी हजारों लोगों के चेक बढ़ते हैं, तो उनकी भी नई नई घड़ी खरीदते हैं, वो नए कपड़े लेते हैं, उनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, तो पूरी टीम में प्रॉस्पेरिटी आती है. राइट मैम, यही सभी लोगों के सपने होते हैं कि एक अच्छी लाइफस्टाइल हम लोग जीना स्टार्ट करें. जितने भी लोग सुन रहे हैं आज सेशन को, ज्यादातर महिलाएं अपने ऊपर खर्चा करें, शॉपिंग करें, घर लें, कपड़े लें. और जो लोग पुरुष सुन रहे हैं, जितने जेंट्स सुन रहे हैं, वो भी सब चाहते हैं कि मेरे परिवार की जो महिलाएं हैं वो लाइफ को एंजॉय करें. तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए. मैम हमारे साथ में सतपाल जी हैं और सतपाल जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे. तो सतपाल जी आइए, सतपाल जी आइए आइए, क्या पूछना चाहते हैं? थैंक यू सो मच. मेरे सवाल तो है ही है, ये मेरे नहीं, बहुत सारे लोगों के हैं. आपके सेशन से पहले पीपल वर सो एक्साइटेड. एंड मैम पहले तो आपका थैंक यू, आप सेशन में आए. एंड अभी जब आपने चार्जर लेने गए तो मुझे लगा कि एक रूम से दूसरा रूम, तीसरा रूम. मैम आपका घर बहुत बड़ा है और उससे भी बड़ा आपकी समझ, आपकी विजडम और आपका दिल अपने लोग और अपनी टीम के लिए. यही लीडरशिप आप में देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. खैर कई बार आपके साथ ट्रिप पे रहने का मौका मिला, गाला डिनर्स के दौरान या वैसे जब सिटी टूर्स होते हैं, तो कभी नहीं लगा मैम दैट यू आर ऑन सच ए बिग ब्रांड लेवल. आप वेस्टीज में इतने ऊंचे लेवल पे हैं एंड आपसे मिलते वक्त आपके जो हम्बलनेस है आपकी और सर की दोनों की, वो बहुत मतलब दिल को छूने वाली है. और ये हमें खुद को भी सीखने को मिलता है कि एट दैट लेवल आप कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं. मैम इस नेचर के लिए मैं आई ऑलवेज प्रे दैट यू शुड बी ऑलवेज बी ब्लेस्ड विद एवरीथिंग. मैम एक चीज मैं जरूर आपसे कुछ लोगों की तरफ से मैं जानना जरूर चाहूंगा, ताकि हमें भी समझ मिले इसको आगे बढ़ने का. काफी लोग इस सिस्टम में आते हैं, थोड़ा कंपैरिजन में चले जाते हैं कि वो ज्यादा ग्रो कर गया, मुझे साल हो गया. कुछ लोग 6 महीने में बड़ा चेक ले लेते हैं और वो ये नहीं देख पाते हैं कि शायद वो किसी और नेटवर्क कंपनी के अंदर पहले लीडरशिप में रहा है, ऑलरेडी 2,000-4,000 लोगों का नेटवर्क बना के रखा है. वो आते ही जैसे यहाँ पर कोई बड़ा लेवल बड़ा चेक ले लेता तो लोग घबरा जाते हैं. नहीं नहीं हमें शायद इस टीम में ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, या हमें लगता है कि ये टीम ज्यादा ग्रो कर रही है और हमारा कुछ नहीं हो रहा है. तो वो जो माइंडसेट ऑफ टाइम नंबर वन, एंड माइंडसेट ऑफ हाउ आई शुड आई कंपेयर माय लीडरशिप. तब अपने लीडर को भी लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं हमारे लीडर में क्या है, वहां क्या है. वो कई बार होता है आपकी इतनी बड़ी नेटवर्क है, आपको भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें नई लोगों से खास तौर से आती होगी. तो हाउ यू हैंडल एंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से टू द ऑडियंस एंड द टीम. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ जब मेरी टीम में भी कोई आता है तो, या फिर कोई भी हो. और ये आज आपने सवाल पूछा पर मैं बहुत बार स्टेज से ये बात बोल चुकी हूँ कि भाई तुम कहते हो कि वेस्टीज में इस बंदे ने 1 साल पहले ज्वाइन किया और इतने का चेक आया. उनको जाके पूछो कि तुम नेटवर्किंग में कितने सालों से हो, क्योंकि नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस आपका तब एक, जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में 21 साल से हैं, तो भी 21 साल में हमने बहुत सारी पहचान बनाई है, हमारी ब्रांड बनाई है, लोग हमें जानते हैं. ठीक है, तो आप कोई भी कंपनी में शिफ्ट करते हो, जैसे कि आपने पहली कंपनी से दूसरी कंपनी में आए, तो आपके कुछ लोग तो जरूर ऐसे होंगे जो आपके साथ आएंगे. अच्छा कोई भी नहीं आया, पर आपका एक्सपीरियंस आपके साथ है, आपकी नॉलेज आपके साथ है. जबकि एक नया बंदा होता है उसको इस बिजनेस को सीखने के लिए ही 1 साल लग जाता है, वो भी बेसिक. मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल अगर वर्ल्ड में आप देखोगे तो प्रॉपर एक लीडर और अच्छे से सीखने के लिए 7 साल लग जाते हैं एक नेटवर्कर को, प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए. सो मैं तो बेसिक बात कर रही हूँ. तो और दूसरी बात रही कंपेरिजन की, यार कंपेरिजन तो बच्चों का है,
भी मुझे लगता है तो यहाँ तो हम बड़े हो चुके हैं, यहाँ हम कंपैरिजन करके कभी बिजनेस में हम डेवलपमेंट नहीं ला सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन का मतलब है कि हम अपने आप पे डाउट कर रहे हैं। जिसको खुद पे डाउट है ना उसको अप्लाइंग पे 100% डाउट होगा, जिसको खुद पे डाउट है उनको कंपनी पे भी डाउट होगा, जिसको खुद पे डाउट है ना उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, उसको अपनी डाउनलाइन पे भी हमेशा डाउट लगा रहेगा। मालूम नहीं ये एक दिन फोन नहीं उठाया तो उसको लगेगा मालूम नहीं कहीं और चला गया कि क्या। सो यू नो हमें कंपेयर नहीं करना है, हमें अपने गोल पे काम करना है कि आपको क्या कहाँ पहुंचना है। क्यों घोड़ों को बांधा जाता है दोनों तरफ पर, हम इंसान को नहीं बांध सकते हैं क्योंकि हम इंसान है, ओके हम बहुत महान है, पर घोड़ों को बांध दिया जाता है क्योंकि उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ उनके गोल पे हो, आजू बाजू में क्या हो रहा है उस पे ना हो। दोस्तों वेस्टीज में आने के बाद क्या हम एक दो साल एक रेस का घोड़ा नहीं बन सकते? थिंक अबाउट इट। यस मैम। बन यानी क्योंकि किसी के साथ कंपैरिजन करके आपके घर में बेटरमेंट नहीं आने वाली है, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने वाला है, किसी के साथ कुछ यानी किसी के बारे में कुछ सोच के अगर आपके घर पे अच्छे चेक आ रहे हैं तो यस करो कंपैरिजन। और अगर आपका जवाब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं होगा उससे तो दुखी मिलने वाला है तो क्यों करना है, आप बेस्ट हो, अपने आप पे विश्वास रखो मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आप पे विश्वास होगा आपको तो कंपनी पे भी आ जाएगा, अपलाइन पे भी आ जाएगा, अपने गोल पे भी आ जाएगा, हर चीज में आ जाएगा। ऑफ कोर्स मैम। मैम आपकी स्टोरीज में हमने कई बार सुना है कि दैट यू एंड नीलेश सर स्टार्टेड विद स्कूटर और उसपे आपने अपना सफर शुरू किया। yes. और आज घर में बहुत सारी गाड़ियां जिसमें मर्सिडीज है और स्पेशली आपका घर में, मैं कई बार मुंबई आया बड़ा इट वाज ए मीटिंग शेड्यूल अप बट जू के पास जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, मतलब एग्जैक्ट मुझे एरिया और एड्रेस नहीं पता है, मैं माफी चाहूंगा, बट जहां भी है इट इज एट ए सच ए लवली लोकेशन। मैम उस स्कूटर से उस बड़े घर तक और आज उस चीजों की लग्जरीज को जो एंजॉयमेंट आपको मिला है, तो जितनी लोगों ने नेगेटिविटी बोली जितने ना कहा वो कितनी छोटी लगती है जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। मैं सच बताऊं विशाल ऐसा ये तो ये बात सोचने से भी जो मेरे को जो खुशी मिलती है ना मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कल है ना हम हर 5 मई को अपलाइन डे मनाते हैं, ठीक है, और कल अगर आपने देखा अगर आप मेरा फोन देखते और लोग के जो मैसेज आ रहे थे और जो लोग कह रहे थे और जो लोगों की लाइफ में बदलाव आया है, किसी के घर में 5,000 एक्स्ट्रा, 10,000, 50,000 और उससे जो खुशियां इस बिजनेस ने दी है ना वो बियॉन्ड सोच है। यानी मैं बताऊं आपकी मर्सिडीज अपने आप आ जाएगी सिर्फ आप लोगों के चेक के ऊपर काम करो। आप है ना, और इंडिया का कोई स्टार ऐसा नहीं है जो नेटवर्कर उससे आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, नेटवर्कर उस लेवल पे आ जा चुका है इंडिया में और अभी ये तो शुरुआत है। तो विशाल जी मैम का शायद मैम का जो फोन है वो शायद म्यूट मोड में चला गया है। इट्स ओके। या मैम इट्स ओके नाउ, अभी ऑडिबल है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे विशाल या सतपाल, कौन अभी आवाज है मैम मुझे? वी आर लिसनिंग। हां हां बोलिए बोलिए। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूं कि जो लोग पहले आपको अंडरएस्टिमेट करते हैं, लोग सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरएस्टिमेट करते हैं, लोगों को लगता है ये क्या 1,000 रुपए वाला काम है, घर घर प्रोडक्ट बेचने का काम है। आज वही लोग, मैं अभी बात करती हूँ ना आपको, 2 दिन के पहले आप लोगों ने शायद सुना होगा बाली सर के साथ जो मेरा इंटरव्यू था, वो टॉक शो के बाद हमारी फैमिली में से किसी का फोन आया कि मुझे तो लग रहा था, और एकदम नियर वन, कि मुझे तो लग रहा था कि आप कुछ तो बेचने करने का काम कर रहे हो, पर ये सुन के तो लगा कि आप तो कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हो। सो यू नो वो आप लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाओगे ना तो आपकी जिंदगी में तो इतना बदलाव आएगा जो आपकी सोच के बाहर होता है। एब्सोल्युटली मैम, एंड आपकी बातों से आपकी जो फीलिंगफुल थॉट है लोगों के लिए ये सत्यापित करता है वेस्टीज के टैगलाइन में, आपकी सफलता में हमारी सफलता। बिल्कुल ठीक कहा। लोगों की जिंदगी में बदलाव मतलब आपकी जिंदगी में बदलाव।
मैम एक छोटा सा एक छोटी सी बात और चलते चलते बिफोर वी क्लोज द सेशन फॉर टुडे, बहुत कुछ है बात करने के लिए बट आपका भी टाइम शेड्यूल है। और मैम ये जो समय है लॉकडाउन का, बिकॉज ये इस ये सवाल हम बहुत लोगों से इसलिए लेते हैं बिकॉज हर किसी का अपना परसेप्शन है, हर लीडर अपने लेवल पे एक नई नीति रणनीति तरीका तौर सबकी समझ और विजडम अलग अलग है। सो आज के समय बिकॉज ये टेक्नोलॉजी का टाइम बन गया है तो यूथ जितने आज हैं जो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में उस आज के एंड्रॉयड और ऐप बेस्ड दुनिया के अंदर, सो लॉकडाउन का इम्पैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्कर की लाइफ में, एक सवाल मेरा ये है। और उसी से जुड़ा हुआ आज के यूथ एलिस्टर्स जो आज टेक्नोलॉजी में इतने फास्ट है कि पूछो मत, हमें तो पूछना पड़ता है कि भाई यूट्यूब पे कौन सा बटन कहाँ गया है, बट दे आर ऑलरेडी दैट मच थ्रू इनटू दैट, तो उनके लिए कितना बड़ा स्कोप जो है खुल के आ गया है, तो इस टाइम में ये दोनों चीजें कितनी बड़ी होने वाली है और क्या फ्यूचर एस्पेक्ट हम लोग देखें ताकि हम भी इसमें लंबे समय अपने समय को और प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करें नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज के साथ। पहला सवाल जो आपका है लॉकडाउन का, अगर मैं लॉकडाउन में बताऊं तो सब चीजें बदलने वाली हैं। अभी कल ही हम डेटा देख रहे थे कि अप्रैल में मारुति ने एक भी कार सेल नहीं की है, जीरो सेल। अशोक लेलैंड जीरो सेल और वेस्टीज की सेल देखो। और दूसरी चीज की अभी तक लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोटा बिजनेस समझ रहे थे, लोगों को लग रहा था कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा कर रहे हैं, बट अभी लोग एक सेकंड ऑप्शन जरूर देखेंगे कि उनको ये चीज जरूर दिमाग में होगी कि मेरे साथ साथ में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी जैसी चीज ये कोविड ने इस बार सबके दिमाग से निकाल दी। चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों नो, आई डोंट नो आप जानते हो कि नहीं, शायद मुकेश अंबानी जी ने भी अपने हर एक एम्प्लॉय की जो पे है वो शायद 60% ही देने वाले हैं, 40% उन्होंने काट लिए। सो ओके, तो यू नेवर नो कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो जो लॉकडाउन के बाद वाला जो नेटवर्क मार्केटिंग होगा, जो वेस्टीज होगा, एक नया फ्रेश वेस्टीज होगा, एक नया बिजनेस होगा जहां पे हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं की थी। और लोग अभी हमें सुनेंगे इम्यूनिटी के बारे में, लोग अभी हमें सुनेंगे जो पहले इम्यूनिटी समझाते समझाते महीनों निकल जाते थे, अभी लोग हमें पूछते हैं इम्यूनिटी भाई तुम्हारे पास क्या है मुझे दो। सो हमें अपने आंख और कान खुले रखने हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। रही दूसरी बात की बच्चों की, यंगस्टर्स की, टेक्नोलॉजी की, मैं कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं है, सबके लिए है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने टेक्नोलॉजी सीखना इसलिए शुरू किया था करीबन आज से 5 साल पहले से, कि क्योंकि मेरे बेटे के साथ मुझे बात करनी होती थी तो मैं कौन सी चीज पे बात करूं मुझे समझ में ही नहीं आता था, तो इसीलिए मैंने टेक्नोलॉजी सीखना शुरू किया कि हम दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज हो बात करने के लिए। वो नेटफ्लिक्स की बात करता था और मैं बात करती थी टाटा की। वो कहता था मम्मी ये सीरियल मैंने नेटफ्लिक्स में देखी, और मैं कुछ और कहती थी, तो मैंने उसके लिए फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब देखना शुरू यानी सीखना शुरू किया। सो जितने भी यंग बच्चे हैं मैं उनको कहना चाहूंगी कि इसका मिसयूज ना करें, इसे प्रोडक्टिव वे से यूज करें। यानी आप अभी जैसे दिन का मैं अगर समझ लीजिए सोशल मीडिया पे टाइम दे रही हूँ आधे घंटे का, तो आपको आधा घंटा देना है, देन आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। पर अगर आप दिन भर उसी में रहोगे तो वो आपके माइंड को बहुत ज्यादा कमजोर भी बनाता है, आपकी सोचने की शक्ति को कम करता है, देन आप पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हो और या फिर टेक्नोलॉजी आपको यूज कर रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। घंटों तक उसी पे खेलना कंटिन्यूस, रात को आजकल बच्चों का एक अलग ट्रेंड चल रहा है कि रात को 3-4 बजे तक जागना और सुबह 12-1 बजे उठना। सो ठीक है, अभी वो भी यंग है तो बच्चे आजकल ऐसा कर रहे हैं, पर मैं कहना चाह रही हूँ कि कुछ चीजें अगर आप बिजनेस में आए हो तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। उसी तरह ये टेक्नोलॉजी को यूज करके आप, मैं अभी अभी थाईलैंड में बैंकॉक में एक यूट्यूबर को मिली, ये बंदा सिर्फ
इसके थ्रू यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू लाखों लोगों का नेटवर्क बनाता है। जी मैम। एंड इतना एडवांस था वो कि मैं तो सरप्राइज हो गई कि मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि बच्चों को बहुत कुछ आता है, बस उनको सही ढंग से यूज करना है और टाइम फ्रेम बना के रखना है कि बस मेरा एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, बस अभी अभी दैट्स ऑल, यू नो, अभी इससे ज्यादा नहीं करना है मुझे, नहीं तो इसमें घुस के रह जाओगे, एक्शन कुछ नहीं होगा। Absolutely very right, ma'am. It is power. How you use it, it all depends upon you. आप उसका use, misuse क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल। और आपने बिल्कुल अच्छा एक और चीज एड ऑन कर ली कि टेक्नोलॉजी केवल यंगस्टर्स के लिए नहीं है, हम भी अभी बहुत कुछ हमारे पास भी है और हमारा भी टाइम है। We are also in the frame of working. Direct selling. हम यंगस्टर्स हैं सतपाल, भूलना मत। Yes, of course, ma'am. जी मैम, and बिल्कुल ठीक है। नेटवर्कर हमेशा यंग रहता है बिकॉज ही और शी इज ऑलवेज इनटू डिफरेंट थॉट प्रोसेस, वो हमेशा एनर्जेटिक जोन के अंदर रहता है, तो बिल्कुल ठीक है, एनर्जी लेवल कभी कम नहीं रहता और हमारे सप्लीमेंट भी माशाल्लाह हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं उस चीज के अंदर। डेफिनेटली मैम, एंड नेटवर्किंग एंड डिजिटल नेटवर्किंग जो आज आपने कंक्लूड किया, हाउसवाइफ का परिवार के साथ एक कॉम्बिनेशन आज आपने हमें शेयर किया, शुरू के चैलेंजेस को कैसे आप ओवरकम करें आपने हमें ये शेयर किया, साथ के साथ शुरू में चीजें कोई तेजी से कार्य करता है, कोई धीरे कार्य करता है, बट उसके बैकग्राउंड, उसका एक्सपीरियंस में क्या प्रायोरिटीज रही हैं, ये आपने हमें अच्छे से आज यहाँ पे क्लियर किया। आपका सफरनामा जो स्कूटर से आज इस सफलता तक है और उसके अंदर एक लीडर क्या सोचता है, क्या केवल अपनी सफलता या नेटवर्क को नीचे डीप ड्राइव करने की सफलता, इस बारे में आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि आप अपनी सफलता के लिए नहीं बल्कि नेटवर्क की सफलता की तरफ आप विचार करें। और कोविड 19 के समय आपने इम्यूनिटी और हमें प्रकाश डाला कि ये अब एक अलग जो है रेवोल्यूशन की तरफ है या एक नई चीजें ईजाद हो रही हैं इस समय के अंदर, इस पे आपने बहुत खूबी रोशनी डाली। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपने हमें शेयर किया जो आपके मुखमंडल से मिला ताकि और लोग समझ पाए, क्योंकि हम तो कहते ही रहते हैं जब पानी की टंकी ऊंची होती है ना उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, तो आपके माध्यम से चीज मिली तो शायद वो हम एक कॉमन विजडम की तरफ, एक उस सोच को हम और बड़ा कर पा रहे हैं। और आपने ये बहुत अच्छे से क्लियर किया कि बड़े बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन जो कहते थे हमारा तो क्या होगा और हमारा क्या हो सकता है, तो आज सवाल उन्हीं के लिए बन गया, आपका ये भी हो सकता है कि शायद कोई गाड़ी ना बिक रही हो, शायद कोई व्यापार ना चल रहा हो, कोई फ्लाइट ना उड़ रही हो, कोई रेस्टोरेंट ना खुल रहा हो। एंड बैकअप सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम अक्सर पैसिव इनकम के बारे में मार्केटिंग प्लान में बताते रहते थे, कोविड 19 ने हमें बता दिया कि भाई बताने से नहीं जगने से काम चलेगा, अब जग जाओ। बड़े बड़े लोगों ने बता दिया, अब मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। बड़े जिन कंट्रीज की इकोनॉमी कभी ये कहती थी हम तो हिलने वाले नहीं है, आज बहुत कुछ चैलेंज में है, तो वी शुड टेक द कॉल ऑफ द टाइम, आज समय की जरूरत है। और उसमें हमने ये मार्गदर्शन आपने हमें दिया। विशाल जी, मैम के समय के लिए मैं धन्यवाद, तो खैर हमारे पास क्या शब्द है, बिकॉज हर लव, हर अफेक्शन, हर ट्रेनिंग एंड व्हाटएवर टाइम शी हैव स्पेयर्ड, हमारा जो एक्शन है, हमारी जो सफलताएं हैं, हमारे जो नए लेवल है और नेटवर्क के और जो सुनने वाले हैं इनकी लीडरशिप के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं, वही मैम के लिए बड़ा थैंक्स हो सकता है। जब हम मैम को 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद जब भी मिल रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, मैम उस जूम सेशन से इन लोगों ने अपने ये लेवल अचीव करे और उन्होंने ये नई बातें सीखकर अपने बिजनेस में आगे बढ़ोतरी करी, वो एक बहुत बड़ा धन्यवाद होगा मैम, जिसे संजोकर हम जरूर आपको और जल्दी पेश करेंगे। विशाल जी, वर्ड ऑफ थैंक्स टू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सतपाल जी, थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन, लवली क्वेश्चंस एंड वंडरफुल आंसर्स बाय मैम। हमारे साथ में हमारे लीडर लोकेश जी फरीदाबाद से, डबल ग्राउंड डायरेक्टर, वो हमारे साथ कनेक्टेड है। लोकेश जी। जी सर, जी सर, जी विशाल जी। क्या मुझे लगा लोकेश आया नहीं मीटिंग में। नहीं नहीं मैम, मैं शुरू से साथ हूँ, शुरू से साथ हूँ। अच्छा, बताओ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और मैम, मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी सुन रहा था, किसी को जानना हो कि मैम पैसा खर्च कहाँ करती है तो मैं बता सकता हूँ, ये जो आप पीछे दीवारें देख रहे हो सब हीरे जवाहरात सब इसमें गाड़े हुए मैम ने। जी जी जी, मैं एक मैम पर्सनल इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा फाइनेंशियल फ्रीडम का। मैं प्रीतम जी और सतपाल, सॉरी नीलेश सर, मैं और प्रीतम जी थे और हम लोग स्पेन की मार्केट में घूम रहे थे। मैम ने एक बार फोन किया सर को कि चलो आज शाम को कुछ अच्छी बात हुई है, पार्टी करते हैं आज। तो उसमें सिद्धार्थ सर भी थे, चंचल मैम भी थी, और मैम ने सर को एक फोन किया था कि चलो एक शैंपेन लेके आना, आज शैंपेन पियेंगे। तो मेरे को सर ने कहा कि यार देख शैंपेन कहीं मिलती है, तो मैम का फोन आया है।
मैंने वहां में प्राइस पूछा एक शैंपेन की जगह तो लगभग 35,000 की थी, तो नॉर्मली इतनी महंगी कहीं मिलती नहीं है शैंपेन। तो सर ने ना मेरे को कुछ बोलने से पहले ही मैं सर को मना करने वाला था कि सर चलो आगे कहीं देखेंगे, महंगी है यहाँ तो उसको बोलने से पहले सर ने अपना कार्ड दे दिया। तो मैंने दो मिनट में कुछ कहा कि यार यहाँ ज्यादा महंगी मिल रही है, कहीं आगे ट्राई करेंगे। तो उतने में तो सर ने परचेज भी कर ली थी 35,000 की, और वो शैम्पू पी के गटक गए थे हम सब लोग। बट ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए, मेरे को दो सवाल पूछने हैं इनफैक्ट आपसे। एक, जैसे मैम आप जब वेस्टीज में आए तो जैसे आपका विजन था 1,00,000 रुपए का, पहले हम 1,00,000 रुपए कमाए, तो आपने सीक्रेट बुक पढ़ के 1,00,000 रुपए में पहुंचे आप, फिर 2,00,000 पे पहुंचे, 3,00,000 पे पहुंचे। तो मैम कंटिन्यूस ग्रोथ का आपका कारण क्या है, मतलब आपको क्या चीज इंस्पायर करती है? क्योंकि देखिए आप 1,00,000 सोच के आए थे तो हो सकता है आप 10,00,000 में सेटिस्फाई हो जाते या 15,00,000 में सेटिस्फाई हो जाते, है ना। और नॉर्मली लोगों का होता भी है, इनफैक्ट ये मेरे साथ भी है ना, कि चलो यार बहुत पैसा आ रहा है सब कुछ है। तो एक जो कहते हैं ना कि लगातार जो आपको इंस्पायर चीजें कर रही हैं, भाई आज आपके पास इतना पैसा है, खाने पीने की टेंशन नहीं है, बढ़िया घर है, दो दो घर भी ले लिए आपने, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आज आप नहीं बाय कर सकते ना। 9,30,000 की घड़ी आप गिफ्ट कर रहे हो, मैम एक घड़ी मुझे भी गिफ्ट करना प्लीज, ठीक है मैम। तो मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी देखो, आज आप थैंक यू सो मच आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जूम ट्रेनिंग आप करते होंगे अपने ग्रुप के लिए, मतलब आपके ग्रुप में बहुत से लोग इंडिपेंडेंट होंगे मेरे ख्याल से। मैम लग्जरी गाड़ी कितने ग्रुप कितनी है आपके ग्रुप में? आई थिंक 25 से ज्यादा है। 25 से ज्यादा है, तो मतलब आप और क्या चाहिए आदमी को, है ना। आदमी मतलब आप इसे कहते हैं आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। मैम इसके बावजूद भी आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो और ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, इसका कारण आपको क्या लगता है इसका कारण? सवाल नंबर एक। मैम मेरा ये है सवाल, पहला जवाब दे देने दो। अच्छा ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, हमारा पर्पस बहुत ज्यादा क्लियर है। अगर ये पर्पस, यानी जिस दिन मैं बताऊं आपको, जब कुणाल की पढ़ाई खत्म हो गई आज से 1 साल पहले, जब 6 साल तक उसको US में पढ़ाया तो एवरी मंथ का बहुत ज्यादा खर्चा था, एंड तभी भी हमारी अर्निंग अच्छी थी, बट एक बार उसकी पढ़ाई होने के बाद हमारा पर्पस पूरी तरह हमने बनाया और वो चेंज है। अभी पर्पस एक ही है कि टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग मिलियनर बने, पैसे कमाए, उनका 1,00,000 का चेक बने, और जैसे उनका होता है ना, हम तो बाय प्रोडक्ट है लोकेश, वो अपने आप हो रहा है। यानी जितने लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है तो अपना बिजनेस ही ऐसा है, दूसरों को ज्यादा चेक आता है तो अपना अपने आप बढ़ने वाला है। सो दैट्स द, फिर देखो, फिर हमारे जो मेरे ड्रीम्स है वो दैट इज नाउ दैट इज बाय प्रोडक्ट, बट जब 1,00,000 रुपीज कमाना था तब सिर्फ मेरे लिए था, जब 5,00,000 का चेक था तब सिर्फ हमें हमारी फैमिली के लिए वो पैसे कमाने थे, बट बाद में वो चीजें अभी नाउ तो यानी ऊपर वाले ने इतना दिया है कि वो दे रहा है। जी जी जी। हाँ, अभी दूसरा सवाल। अच्छा, सवाल नंबर 2 मैम, यहाँ से आगे आने वाले 1 साल में 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, मतलब आप अपना क्या विजन लगाते हो? क्योंकि आप जब कुछ बताओगे तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगी। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है क्योंकि मैं अपने आप को इंस्पायर करने के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के बारे में, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आज से 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, क्योंकि मैंने तो आपकी पूछ पकड़ी है, जहां जहां आप जाओगे पीछे पीछे मैं आ जाऊंगा। मैं सच बताऊं लोकेश, मेरा जो हमारे जो मैंने और नीलेश जी ने जो जो चीजें बनाई है, हम अपना ज्यादातर एक्सपीरियंसेस जो हम कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यू नो रॉकी माउंटेन्स जाना चाहते हैं कनाडा में, फिर हम वापस एक बार दो बार या तीन बार स्विट्जरलैंड जा चुके हैं और एक बार स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। सो देन उसके साथ साथ हमारा एक घर हम लेना चाहते हैं, और एक घर जो जिसमें मुझे टेरेस चाहिए, यानी जिसमें दरिया दिख रहा है और टेरेस सी फेस वाला घर हो, वो मैं देख रही हूँ कि आगे के 1-2 साल में वो होगा। देन उसके साथ साथ 8-10 कंट्री में नेटवर्क होना चाहिए। देन बहुत सारी चीजें है लोकेश। मैम 1 करोड़ का चेक का आप कब कब प्लान कर रहे हो? मेरा 1 करोड़ चेक इज नॉट माय That is not my dream. वो पैसे, मैं अपने experiences पूरा करना चाहती हूँ, उसके लिए पैसे कहीं से भी आ जाएंगे और वो आएंगे,
वो करोड़ नहीं 2 करोड़ भी आएंगे कोई टेंशन नहीं है उसका हो जाएगा। देखो जो जो ड्रीम्स है उसके लिए मुझे, अगर आप अपने सपने बनाते हो और आप अपने हमारे गोल्स और हमारे सपने ज्यादातर होते हैं कि हम कौन से एक्सपीरियंसेस पूरा करना चाहते हैं, कि कहाँ घूमना चाहते हैं, हम कौन सी चीजों का एक्सपीरियंस, घर भी मैंने बनाया है तो अगर आप मेरे घर का इंटीरियर भी देखोगे तो वो इंटीरियर में लग्जरी से ज्यादा यू नो मेमोरीज है मेरे घर में। कि आप कोई भी कॉर्नर में जाओगे, कोई कॉर्नर में आपको इटली की मेमोरी याद आएगी, कोई कॉर्नर में आप जाओगे तो मुझे मेरा गांव का घर याद आएगा, कोई कॉर्नर में जाओगे तो मेरे बेटे की यादें आएगी। सो मेरे लिए ये सब बहुत मोमेंट काम करता है। और 1 करोड़ होने वाला है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो तो अपने आप होगा वो अपने आप हो जाएगा। अब तो और जल्दी हो जाएगा मैम, जब से लॉकडाउन हुआ है मुझे लग रहा है ये सब चीजें बेहतरी के लिए हुआ है, अब और जल्दी हो जाएगा। अरे हर यहाँ तो इंडिया में इतना पोटेंशियल है ना, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, मैं उन सबको कहना चाहती हूँ अपना थिंकिंग को बड़ा बनाएं। आप सोच नहीं सकते उतना आप यहाँ पे यू नो इंडियन मार्केट से प्रेस्टीज के थ्रू कमा सकते हैं, बट छोटे छोटे रीजन से, छोटी छोटी चीजों से बाहर निकल के बड़े गोल पे अपने नजर को टिकाए। ठीक है, ठीक मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। घर जाके बिटिया को एक बहुत अच्छी मेरी तरफ से एक पप्पी जरूर देना। नहीं, मैं घर पे ही हूँ मैम। उसने भी मीटिंग सुनी है आपकी। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओवर टू विशाल जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच लोकेश जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल टाइम, एंड वी ऑल आर फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल टू यू मैम, थैंक्स अ लॉट। बहुत जल्दी आपको हम लोग दिल्ली, आपको मौका लगेगा तो आपको सुनने के लिए हम लोग मिलेंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच। विशाल, तुम लोग मुझे कभी भी बुला सकते हो, तुम्हें मालूम है कि कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। सो ऑल द पार्टिसिपेंट, दिस वॉज द वंडरफुल सेशन बाय दीपल पत्रावाला मैम। आज बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, जानने को मिला। बहुत जल्दी एक और ऐसे ही वंडरफुल सेशन में हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे आपके साथ में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।